मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। टीम इंडिया को विश्व कप दिलाने वाले खिलाड़ी आज 250 रुपए प्रतिदिन मजदूरी कर रहे हैं और गुजरात सरकार से 3 बार गुहार लगाई है कि उनको नौकरी दी जाए। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं ये पूरी लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, इस दौरान ही काफी सारे भारतीय खिलाड़ी जो है वो ब्राउन मेडल सिल्वर मेडल लेके आ रहे हैं और भारत का नाम जो है वो ऊंचा कर रहे हैं। इस दौरान ही काफी सारे खिलाड़ियों के ऊपर भारत सरकार काफी ज्यादा पैसा बरसा रही है और काफी सारी कंपनीज उनको काफी सारे काम दे रही है, ब्रांड एम्बेसिडर बना रही है, जिनसे उनके एक्चुअली में तरक्की हो रही है, उनको काफी ज्यादा पैसा मिल रहा है। इसी दौरान ही काफी सारे खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो कि गुमनामी की जिंदगी जी रहे होते हैं और इस दौरान ही जब हमारे सामने उनके नाम आते हैं उसके बारे में जान के आप भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये जो पूरा मामला है वो हमारे सामने गुजरात के नवसारी से आ रहा है, जहां पर आप लोगों को पता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। यहां पर नरेश तोमदा नाम के एक व्यक्ति रहते हैं जिन्होंने 2018 में ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था और उसके बाद अभी ये प्रतिदिन 250 रुपए की दिहाड़ी एक्चुअली में करके उसके बाद वो अपने बच्चों का पेट पालते हैं। 2018 में वर्ल्ड कप हुआ था, ब्लाइंड वर्ल्ड कप, जिसमें ये मौजूद थे। पाकिस्तान को इन्होंने 308 रनों से हराया था और गोल्ड मेडल जीता था, जिससे हमारे भारत का नाम काफी ज्यादा शान से ऊपर हुआ था। इन्होंने ये चीज बताया कि इन्होंने 3 बार सरकार से मदद मांगी है, वहां के सीएम से मदद मांगी है, पर किसी का भी जवाब अभी तक उनके पास नहीं आया है और वो थक चुके हैं। वो चाहते हैं कि सरकार उनकी मदद करे और उनको सरकारी नौकरी दी जाए जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।